24 न्यूज, पल पल की खबर। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने की घटना आम है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार सांप निकलने की जानकारी सामने आते रहती है। ऐसा ही ताज़ा मामला बीती रात कलेक्टर बंगला में देखने को मिला, जहां एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। समय तकरीबन 7:30 बजे के आसपास कलेक्टर बंगले के बीचों बीच एक सांप चलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों की नज़र पड़ गई, जिस पर झाड़ियों होने के कारण जहरीला सांप होना प्रतीत हुआ, जिसकी जानकारी बिना देरी किए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया गया। थोड़ी देर पश्चात बंगले में पहुंचकर सांप का सफल रेस्क्यू किया गया। सर, बीती रात्रि कलेक्टर बंगले से सिपाही के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक जहरीला सांप बंगले के अंदर पे दिखाई दिया है, जिसके बाद फिर हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक कॉमन कुकरी, जिसको बेलिया करत बोलते हैं, वो सांप बीच में था, जिसको हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। साधारण सी बात है, ये है कि कोई भी सांप अगर जब दिखाई देता है तो लोग डर जाते हैं, और जैसे कि कॉमन कुकरी को अक्सर लोग करैत समझ के डरते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो जाते हैं, जो कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये बिना जहर वाला सांप है। तो जब भी इस तरीके से सांप दिखे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि या दुर्घटना ना घटे। साथ ही जितेंद्र सारथी ने बताया कि यह बेलिया करैत है, जो कि जहरीला नहीं होता, पर लोग करैत समझकर डर जाते हैं और मार देते हैं। जैसे ही सारथी ने काले रंग के डिब्बे में डाला, सांप उछलकर बाहर आ गया, तब सिपाहियों ने दूसरा बोतल दिया, जिसमें बड़ी आसानी से अंदर चला गया। तब जाकर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों ने राहत भरी सांस लिया और जितेंद्र सारथी को धन्यवाद ज्ञापित किया, फिर सांप को जंगल में छोड़ दिया। जितेंद्र सारथी ने बताया, यह कॉमन करैत, हिंदी में बेलिया करैत सांप है। आम जनों को लगता है यह सांप बेहद जहरीला है, जबकि यह जहरीला नहीं है और न ही इसके काटने पर किसी की मृत्यु होगी। KSN 24 न्यूज़ के लिए रजगावार से मनोज दिनकर की रिपोर्ट।